हाय गाइस, हाउ आर यू। सो कई लोगों को कंफ्यूजिंग है कि मोनोकॉट डाइकॉट क्या है, तो उसमें आज मैं डेफिनेशन को लिखूंगा और इस कंफ्यूजिंग को क्लियर कर देता हूँ कि डाइकॉट मोनोकॉट क्या है। तो देखिए, ये दिस इज द टॉपिक। ये टॉपिक जो है ना, तो वो प्लांट फिजियोलॉजी से मोस्ट ऑफ द कनेक्टेड रहते हैं और उसी से ही क्वेश्चन आते हैं कि मोनोकॉट का एग्जाम्पल, डाइकॉट का एग्जाम्पल। तो आपको बता दें कि ऐसे सीड, एस एच सीड, सीड बेटा, सीड जो होता है ना, वो दो टाइप का पाया जाता है। एक ऐसे सीड, कुछ ऐसे सीड जिनको समान दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो डाइकॉट की कैटेगरी में चले जाते हैं, और ऐसे सीड जो मोनोकॉट की कैटेगरी में आते हैं। या यूं कहूँ कि ऐसे सीड जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो मोनोकॉट की कैटेगरी में आते हैं। डाइकॉट पहले, मोनोकॉट। मोनोकॉट का मतलब क्या होता है, समझो आपको, ऐसे ऐसे बीज जिनको हम दो भागों में विभक्त ना कर पाए, कर न कर पाए, ठीक है। ऐसे बीज मोनोकॉट में आते हैं, ठीक है। ऐसे सीड जिनको हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे सीड किस में आ जाते हैं, मोनोकॉट में आ जाते हैं, ठीक है। मोनोकॉट, मोनोकॉट में एग्जांपल ले लेते हैं, वीट हो गया, एग्जाम्पल वीट हो गया, ठीक है। वीट बोले तो समझ गए होंगे, गेहूं हो गया, तो वो सब हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं, डाइकॉट ऐसे बीज जिनको हम समान दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ऐसे बीज जिनको हम समान दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, हैं, ठीक है। ऐसे बीज, ऐसे बीज डाइकॉट में आते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे अगर, समझा, तो ये जो डाइकॉट हो गया ना, डाइकॉट का मतलब हो गया मेरे बच्चे, डाइकॉट का मतलब डाइकॉट ऐसे सीड, ठीक है, ऐसे सीड जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीड को हम डाइकॉट की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आता है ग्राम, पीस आ गए, ग्राम्स आ गए, बोले तो चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, या कुछ भी ऐसे सीड ले लेते हैं जिनको हम समान दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ग्राम हो गया, ठीक है, पीस हो गए, मटर्स हो गए, तो ग्राम हो गया, पीस हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। इसके अलावा कई ऐसी सीड्स पाए जाते हैं जिनको हम समान दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो सारा का सारा चला जाता है डाइकॉट की कैटेगरी में। मोनोकॉट का मतलब होता है कि ऐसे सीड जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे सीड को मोनोकॉट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने आपने कहा वीट, बोले तो गेहूं। तो दिस इज द फंडा ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। सो आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। सो टेक केयर, बाय बाय।